हेलो, मेरा नाम संदीप गौड़ है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है डीपीडी, जिसे डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। जैसा कि इसके नाम में है, डिपेंडेंट डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर से पीड़ित व्यक्ति अक्सर किसी और पे डिपेंडेंट होता है। उसके लाइफ के सारे फैसले, सारे डिसीजंस कोई और लेता है। हेल्पलेस, सबमिसिव, इनकैपेबल ऑफ टेकिंग डिसीजंस, ये सारे सिम्टम्स हम डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर में देखते हैं। ऐसे व्यक्ति के जिंदगी के सारे फैसले कोई और व्यक्ति लेता है, जिस व्यक्ति पे डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर से पीड़ित व्यक्ति डिपेंडेंट है। अफेक्शन, सिक्योरिटी एंड गाइडेंस की भी प्रॉब्लम हम डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर में देखते हैं। डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर से पीड़ित व्यक्ति अपने आप को अंदर से बहुत ज्यादा हेल्पलेसनेस और सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है, क्योंकि यह व्यक्ति अपने जिंदगी के सारे फैसले खुद नहीं ले पाता। वो अपने आप को इसमें बहुत ज्यादा हेल्पलेसनेस समझता है, इसलिए वो किसी और पे डिपेंडेंट होता है। और अक्सर ऐसे व्यक्ति डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, क्योंकि सपोज उनको उनके लाइफ के कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं और अगला व्यक्ति जिस पे वो डिपेंडेंट है वो उस समय मौजूद नहीं है, और इसके अंदर खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी है और खुद के डिसीजन नहीं ले पा रहा, तो ये व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। इसलिए डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर जिसे होता है वो अपने आप को बहुत ज्यादा अंदर से हेल्पलेसनेस समझता है, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत बहुत ज्यादा कमी होती है और अपने जिंदगी के सारे फैसले लेने के लिए किसी और पर डिपेंडेंट होता है। चाहे वो कोई भी हो सकता है, उसके लाइफ में पेरेंट्स हो, फ्रेंड्स हो, पार्टनर हो, कोई भी हो सकता है जिसपे वो डिपेंडेंट है और अपने लाइफ के सारे फैसले वो उससे पूछ के उसके एडवाइस से ले रहा हो, क्योंकि उसके अंदर खुद वो फैसले लेने की कमी है, क्यों नहीं ले पा रहा, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, वो अपने आप को बहुत ज्यादा हेल्पलेसनेस समझ रहा है अंदर से, इसलिए वो किसी और पे डिपेंडेंट होता है। तो मोस्टली डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के यही सिम्टम्स होते हैं, हेल्पलेसनेस, सबमिसिव, सिक्योरिटी, गाइडेंस, अफेक्शन, इनकैपेबल ऑफ टेकिंग डिसीजंस, ये सारे सिम्टम्स हम अक्सर डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में देखते हैं। आई होप मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आए, तो प्लीज इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।